हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसएससी भर्ती 2020 के बारे में। तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा और इसमें सिलेबस क्या रहेंगे और प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई थी वो कितनी कट ऑफ गई थी स्टेनोग्राफर के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें 12th पास कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्या इसमें आपका एग्जाम पैटर्न है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020 एंड 21 के लिए ये रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लेते हैं कि कब से कब तक आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो है वो 10/10/2020 से लेकर 4/11/2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 10 अक्टूबर से इसमें फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और 4 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पे 4 नवंबर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो CBT एग्ज़ाम डेट भी आपको मेंशन किया गया है 29/3/2021 से लेके 31/3/2021 तक आपका एग्ज़ाम जो है इसका वो चलने वाला है। बाकी यहाँ पे आप पेमेंट का डेट जो है वो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या डेट्स रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना डेट देख सकते हो जो एग्ज़ाम का है। मैंने आपको बताया 29 मार्च से लेके यहाँ पे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 29 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपका एग्ज़ाम जो है वो चलने वाला है। पार्ट वन में आपका जो है वो सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे पार्ट टू में आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस रहेंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। और पार्ट थ्री में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन रहेगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 100 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का यहाँ पे आपका टाइम रहेगा। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो 2 घंटे आपको मिलेंगे, अगर आप विकलांग कैंडिडेट है तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएगा। अगर आप पारा 7 या फिर ए और बी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बी पॉइंट में आपको लिखा गया है कि जो आपका क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस का रहने वाला है। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा गया कि आपका जो है वो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.25 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट डी में आपको लिखा गया है कि जो आपके मार्क्स होंगे CBT एग्ज़ाम में उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, और जो भी यहाँ पे फॉर्मूला होगा नॉर्मलाइजेशन का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका यहाँ पे एक कट ऑफ जारी किया जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कि फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और इस एग्ज़ाम का जो आंसर की होगा वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेबस अपना देख चुके हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हो तो आपका यहाँ पे जो है वो स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो CBT एग्ज़ाम में तो आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपका CBT एग्ज़ाम निकल जाता है तो उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफर में आपको बताया गया है कि द कैंडिडेट विल बी वन डिटेक्शन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे वन डिटेक्शन के लिए। जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करते हो इंग्लिश या हिंदी, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो आपको हिंदी में देना पड़ेगा, अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखा है एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, यानी कि अगर आप ग्रेड सी के पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो आपको 100 वर्ड पर मिनट स्पीड देना पड़ेगा। अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आप अप्लाई करते हो तो 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपको स्पीड देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा गया है द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो टाइम दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको अपना स्किल टेस्ट देना है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर डी ग्रेड डी के लिए यहाँ पे जब आप लैंग्वेज चूज़ करते हो इंग्लिश स्किल टेस्ट के लिए तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन मिलेगा 50 मिनट का। अगर आप विकलांग कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए हिंदी लैंग्वेज चूज़ करते हो स्किल टेस्ट में तो यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन 65 मिनट का दिया जाएगा। अगर आप विकलांग कैंडिडेट हो तो 90 मिनट दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज वाले कैंडिडेट को यहाँ पे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा और विकलांग कैंडिडेट को 55 मिनट का। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में हिंदी लैंग्वेज चूज़ करते हैं स्किल टेस्ट के लिए तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपका 55 मिनट का रहेगा और विकलांग कैंडिडेट के लिए 75 मिनट का यहाँ पे
रहेगा टाइम। उसके बाद यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीबीटी एग्जाम में जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो आपको बताया गया। सबसे पहले तो यूआर के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा मिनिमम, और ओबीसी ईडब्ल्यू इसके लिए 25% है, और यहाँ पे ऑल अदर कैटेगरी यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम के लिए यहाँ पे 20% मार्क्स रहेंगे, और बाकी जो आपका कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना रहेगा सीबीटी एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे आपके सीबीटी एग्जाम में जो आपके परफॉर्मेंस होंगे उसके बेसिस पे किया जाएगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे आपका जो है वो मेरिटरी तो है, बट यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि आपका स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा आपके जो भी मार्क्स आपके आएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ गई थी वो कितनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे अगर बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताया गया है। जैसे कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो यूआर कैटेगरी में 138 कट ऑफ गया था, और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 134 कट ऑफ गया था यूआर के लिए, ओबीसी के लिए ग्रेड सी के लिए 133 कट ऑफ गया था, और ग्रेड डी के लिए 130 कट ऑफ गया था, एससी के लिए 119 कट ऑफ गया था ग्रेड सी में, और ग्रेड डी में यहाँ पे 113 कट ऑफ गया था। एसटी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेड सी में 105 कट ऑफ गया था, और ग्रेड डी में 97 कट ऑफ गया था। ईएसएम में आप देख सकते हो ग्रेड डी में 40 कट ऑफ गया था, ओएच के लिए ग्रेड सी में 90 कट ऑफ गया था, और यहाँ पे सेम कट ऑफ गया था। उसके बाद वीएच के लिए आप देख सकते हो ग्रेड सी में 88 कट ऑफ गया था, और ग्रेड डी में 56 कट ऑफ गया था। अदर कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हो 40 कट ऑफ गया था ग्रेड सी के लिए, और सेम कट ऑफ ही गया था ग्रेड डी के लिए भी। तो ये आपका यहाँ पे 2018 में जो कट ऑफ गया था वो आप देख सकते हो, आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स आपके हैं, ये कट ऑफ आपके गए थे प्रीवियस ईयर में। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आपको एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताया, और प्रीवियस ईयर के कटअप के बारे में बताया कि क्या आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कटअप रहेगा। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए यहाँ पे आपकी पोस्ट निकाली गई, इसमें 12th पास आप अगर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने आपको बता दिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आपके रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएँ, तो उन लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।